अयोध्या जिला प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में होटल संचालकों के साथ बैठक की और बैठक में सभी होटल संचालकों से निर्धारित दर की सूची मांगी है। इसके साथ ही जो होटल अतिरिक्त सुविधा दे रहे हैं उसकी डिटेल भी मांगी गई है। भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के होटल संचालकों ने महंगे दर पर राम भक्तों को कमरे उपलब्ध कराए थे। भगवान राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी अयोध्या के होटल संचालक अपने निर्धारित रेट से अधिक पैसे वसूल रहे थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद डीएम ने बैठक कर बढ़े हुए दामों को कम करने के लिए निर्देश दिए हैं। अभी हम लोग ने होटल और धर्मशाला के जो ग्रुप्स हैं उनसे बात करी है, और क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरा है, और हम लोग का प्रयास है कि एक संवाद के जरिए जो रेट्स है निर्धारित रहे और रेट्स जो बढ़ा के लिए जा रहे हैं वो ना लिया जाए। और हम लोगों ने बैंड मांगा है कि आपका क्या प्राइस बैंड होगा वो हमें दे दिया जाए, और उस बैंड के अनुसार ही वो चार्जेज होटल्स के लिए, और जो कुछ और फैसिलिटी दिया जाता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। कोई दर्शन के लिए व्हीकल प्रोवाइड करते हैं, फूडिंग और की व्यवस्था होती है तो उसके लिए उसमें एडिशन करते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है होटल्स के ओनर से और जो मैनेजर्स आए थे कि उसको बहुत स्पष्ट रूप से लिखा जाए।